तो है गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप लोग, आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइज आज अभी हम हैं हरियाणा के बहादुरगढ़ में, जो कि यहाँ पे सुने कि बहुत एक अच्छा मेला लगा हुआ है। तो हम आए हैं, एग्ज़ाम भी था हमारा, तो एग्ज़ाम हो गया तो सोचे कि मेला घूम ले। तो अभी हम आए हैं बहादुरगढ़ में और यहाँ पे रुके हैं प्रकाश भाई के पास। और ये अभी देख लीजिए, और ये भी मैगी लाए हैं बनाने के लिए। मैगी के लिए प्याज काट रहे हैं, देख लीजिए इनको। तो अभी हम मैगी वगैरह खाते हैं, उसके बाद मैगी खा कर चलते हैं हम लोग मेला में। देखते हैं मेला है या ख़त्म हो गया, क्योंकि मैंने सुना था कि मेला ख़त्म भी होने वाला है एक दो दिनों में। तो मिल जाए मेला तो ठीक है, आपको दिखाते हैं, नहीं तो नहीं दिखाएंगे। तो गाइस हमारा मैगी बनना चालू हो गया। यहाँ पे कढ़ाई में तेल डल गई है और इसके बाद प्याज और मिर्चा डालेंगे। हाँ, प्याज मिर्चा डालोगे जी? प्याज और मिर्चा डालेंगे, ये भी बता रहे हैं भाई। ये बहुत अच्छा बनाते हैं मैगी। देखिए डाल, वहाँ पे प्याज जल गया और प्याज 2 मिनट भूनने के बाद यहाँ पे अब नमक जा रहा है इसके अंदर, क्योंकि प्याज नमक जाने जल्दी प्याज गल जाए। तो नमक भी चला गया। देख इधर देखिए ना आलू, हाँ ये हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। हमने सुना अभी टेस्ट करते हैं इनके हाथ के मैगी, और देखते कितना अच्छा मैगी बनाते हैं ये। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो यार। शेयर नहीं करते आप लोग वीडियो, ना सब्सक्राइब करते ना लाइक करते हो। वीडियो लाइक से सब्सक्राइब करो अगर वीडियो अच्छी लगे तो। तो गाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्याज लाल हो गया, मतलब प्याज भून गया। अब यहाँ पे इसमें मैगी मसाला डालने वाला है। तो यहाँ पे डल गया हमारा मैगी मसाला एक, और इसको भूनेंगे। फिर दूसरा भी डाल रहे हैं, दूसरा भी अभी डाल रहे हैं मसाला मैगी का। और ये दूसरा भी डल गया इसमें प्याज में, और पता नहीं इसके बाद क्या क्या डालेंगे, मुझे नहीं पता, मुझे आता ही नहीं बनाने। ये चिकन मसाला हो गया, गोल्डी का चिकन मसाला है, ये भी डल गया। और कुछ हल्दी, ये हल्दी पाउडर है, ये भी डल गया हल्दी पाउडर। और ये जीरा मिर्च, पूरा डिब्बा ही उछल दिया, वाह उतना ही था का जितना। देखिए यहाँ पे मसाले को अच्छी तरह से ये भून रहे हैं। कुछ देर मसाले भुने, कितने देर मसाला भुनेंगे? 10 मिनट हो गया। तो 10 मिनट मसाला भुनने के बाद इसमें मैगी डलाया जाएगा। उसके बाद तो आप लोग को तो पता है कि मैगी डलने के बाद क्या होता है। तो वेट करते हैं 10 मिनट मसाले भुनने के बाद, उसके बाद 10-15 मिनट और वेट करेंगे। तो गाइस 10 मिनट रुक गए, 10 मिनट वेट करने के बाद यहाँ पे डल गई मैगी एक पैकेट, और ये दूसरी पॉकेट भी आने वाली है। और ये दूसरी पॉकेट भी आ गई कढ़ाई के अंदर मैगी। तो यहाँ पे हल्के पानी डाला जा रहा है, हल्का पानी, उसके बाद इसको मिलाया जाएगा मसाले के अंदर। ये तो गाइज हमारा मैगी बन के हो गया है तैयार, हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे निकल रहा है थाली में मैगी, और इसको अभी टेस्ट करके हम बताते हैं कि कैसा टेस्ट है। तो गाइज देखने में तो मैगी बहुत अच्छा लग रहा है, फिर लेकिन टेस्ट करके हम आपको बताते हैं कि मैगी का टेस्ट कैसा है। तो अब टेस्ट करके अभी बताते हैं आप। तो गाइज मैगी खाया, अब मैगी बहुत अच्छा टेस्ट है, और पूरा ख़त्म करते हैं यार। टेस्ट अच्छा तो छोड़ेंगे ही, थोड़ी ख़त्म करते हैं हम लोग, दोनों लोग जल्दी जल्दी खाते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं आपको मेला में। यहाँ जो मेला लगा वहाँ मेला भी दिखाते हैं आपको। चलिए गाइस मिलते हैं हम मेला में सीधे। तो गाइस हम लोगों ने अभी मैगी भी खाकर निकले हैं मेला के लिए, तो चलते हैं आगे, आपको चलते मेला में मिलते हैं। ये है बहादुरगढ़ छोटू राम नगर। भाई ये भाई मुन्ना, ये टिगरी बॉर्डर छोटू राम कॉलोनी, ये वाला पंजे क्या रेट दिए भैया? भाई 10 का 1 है, 10 का 1 पंजा भैया। देखो कितनी भीड़ लगी यहाँ पे। ये छोटा भाई है इसका, क्या हाल है भाई? ये देखो प्याज काट रहा है यहाँ पे, ये देखो कितनी पब्लिक है यहाँ पे। नाम है निरहू और रिक्शे वाला, देखो इनके हाथ की सफेद, देखो देखो भाई सोना तल रहे, सोना पंजे नहीं है, सोना है। आप तो यूट्यूब पे चाहिए सोना। अरे भाई मैं हूँ, लाइक करना सप्लाई करना भाई को, देख लो सबको। तो गाइस हमारे साथ पोपट हो गया, गए थे मेला घूमने, मेला लगा ही नहीं, कुछ नहीं था वहाँ पे, पूरा एकदम रात को गए थे तो अंधेरा अंधेरा हो गया। तो अभी आए हम लोग अपने रूम पे, हमें लगा कि मेला होगा लेकिन वहाँ पे है नहीं,
पूरा पोपट हो गया हमारे साथ।